नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आई रुक करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की ओर। आपको बता दें, सिरगाटी शहर के अग्रवाल धर्म सेवा सदन में भारतीय जनता पार्टी का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें, उक्त कार्यशाला में बिहार सरकार की मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार समेत जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश उर्फ चिंटू सिंह, नगर अध्यक्ष अशोक सिंह, रवि सिंह, ग्रामीण अध्यक्ष अमित दांगी, किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता संतोष गुप्ता, शंभू केसरी, आनंद कुमार, संजय सिंह, अरुण चंद्रवंशी, अभिषेक अग्रवाल, रजनीश सिंह, राजेश सिंह आदि गणमान्य लोग शामिल थे। आपको बता दें, डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा लगातार चल रहे देश भर में कार्य की प्रशंसा हो रही है। उसी के उद्देश्य से लोगों को जन जन तक पहुँचाना है। इसी कार्य को बेहतर बनाने के लिए आज सिरगाटी के अंदर नौली अग्रवाल धर्म शिवा सदन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। गया से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। जनता पार्टी गया जिला अंतर्गत सिरगाटी मंडल के शहरी ग्रामीण की बैठक आज की जा रही है और बैठक कार्यशाला है। पार्टी ने तय किया है चलो गांव की ओर। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लोकप्रिय नेता और मंत्री भाई अमित दांगे जी, जिले के लोकप्रिय करबट विधान अध्यक्ष भाई प्रेम प्रकाश चिंटू जी सहित सभी हमारे पार्टी का इस मौके पर जिले के हमारे सभी मंच पर विराजमान नेता प्रदेश के संतोष गुप्ता जी और शंभू रथ केसरी जी सहित देवानंद पासवान जी सहित सभी हमारे प्रदेश के नेतागण और जिले के पदाधिकारीगण और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हमारे मंडल के पदाधिकारीगण, बूथ पंचायत के पदाधिकारीगण और आज के कार्यक्रम का मतलब है कार्यशाला। पार्टी ने आह्वान किया है हमारे माननीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी का आह्वान है चलो गांव की ओर। और भारतीय जनता पार्टी देश व्यापी पैमाने पर देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा 10 वर्षों में जो विकास किए गए हैं, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की योजनाओं को जो लागू किए गए हैं करके, आज इसकी प्रशंसा पूरे भारत में हो रही है करके और भारत के विकास का मॉडल दुनिया बना रही है करके। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों के प्रति इतना श्रद्धा हो गया है कि दुनिया के किसी देशों में जा रहे हैं। और मैं हाल में देखा था एक कोई मैगजीन ने सर्वे किया है और दिखाया है कि आज की तारीख में पूरे दुनिया में सबसे टॉप मैंने ऊपर में माननीय मोदी जाकर के इतने पॉपुलर हो गए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, अन्य देशों के सभी जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनके लोकप्रियता के पीछे हो गए जाकर के, तो नंबर टॉप पर दिखाया गया उनको जाकर के। और 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के रास्ते पर देश को सर्वांगीण जो विकास हुआ है, गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान सभी लोगों के लिए 10 वर्षों में जो काम हुए हैं उन योजनाओं को लेकर वो हमारा प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना हो जा करके, इसमें लगभग देश में 80 करोड़ लोगों को, आप सबों को याद होगा कोरोना का लाया था, एक बड़ा चैलेंज था। उस चैलेंज के घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत ही नहीं पूरे दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया जाकर और आज देश के 80 करोड़ लोगों को सरकार प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम कर रही है करके, आगे भी दिया जाएगा जाकर। उसके अलावा आयुष्मान भारत, गरीब आदमी पैसे का अभाव मिला नहीं करा पाता था, हमारी सरकार ने, पहली सरकार ने 5 लाख का इलाज असाध्य रोगों के लिए, कैंसर है, लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, गरीब आदमी समय से पहले कालकल्पित हो जाता था, हमारी सरकार ने पूरे देश में, बिहार में 6 करोड़ लोगों को, देश में 55 करोड़ लोगों को हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत सुविधा प्रदान करने का काम कर रही है। उसी तरह किसान जो देश की बड़ी ताकत और भारत कृषि प्रधान देश और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारा है उसका ऋण कृषि जा करके और देश की बड़ी आबादी का आजीविका कृषि जा करके, कृषि के क्षेत्र में
हमारी सरकार 2014 माननीय प्रधानमंत्री सरकार जब आए तो कृषि बजट को 4 गुना बढ़ाने का काम किया करके, खाद का दिक्कत था, नीम कोटे यूरिया लाने का काम किया। बिहार का जो बरौनी खाद कारखाना वर्षों से बंद पड़ा था, चालू कराने का काम किया। उसी तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया गया, ताकि किसान खेती करने के लिए उनको खाद चाहिए, बीज चाहिए, दवा चाहिए, मजदूर के पैसे चाहिए जाकर के। तो पहली सरकार आज़ादी के बाद है जिन्होंने पीएम किसान निधि योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 6,000 की राशि 3 किस्तों में दी जा रही है। पूरे देश में 82 करोड़ लोगों को और बिहार में, पूरे देश में 12 करोड़ लोगों को और बिहार में 82 लाख लोगों को सुविधा प्रदान की जा रही है। DBT के माध्यम से सरकार पहले भी थी, उस समय की सरकार कहती थी दिल्ली से पैसा चलता है, गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। माननीय मोदी जी ने नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी दिल्ली से बैठे बैठे किसानों को खाते में पैसा जा रहा है करके, आयुष्मान भारत का जाकर के।